to my YouTube channel. Hope so you are doing fit and healthy. तो आज से हम चालू करने वाले हैं एक नया चैलेंज. मेरे YouTube चैनल पे भी चैलेंज चलने वाला है और मेरे फिटनेस जर्नी पे भी वो चैलेंज चलने वाला है. सो इट्स अ 31 डेज मे चैलेंज. सो 31 डेज मे चैलेंज क्या होने वाला है? मेरा वर्कआउट कम से कम एक दो तीन हफ्ते से बंद है. आई वॉज नॉट वर्किंग आउट. सो 31 डेज का एक चैलेंज लिया है मैंने. इन दैट 31 डेज कंटिन्यूज में वर्कआउट करने वाला हूँ. मतलब जो भी मैं वर्कआउट करने वाला हूँ, जो भी मैं करने वाला हूँ, वो मैं ब्लॉग में बनाने वाला हूँ. एज अ डेली ब्लॉग आई वुड बी डूइंग डेली ब्लॉग फॉर 31 डेज. सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफ 31 डेज इन माई फिटनेस जर्नी एंड 31 डेज ऑफ ब्लॉग्स इन माई यूट्यूब चैनल. सो टुडे इज फर्स्ट ऑफ मे. जिम पूरा बंद है. आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ मे महाराष्ट्र डे रहता है तो छुट्टी रहता है, बट जिम अपने को करना है. तो आज हम चालू करने वाले हैं अपना पहला डे और पहला डे ऑफ ब्लॉगिंग, पहला डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो एग्जैक्टली क्या वर्कआउट करने वाले हैं वो आपको पता चलेगा, बट उसके पहले आप चेक कर लो फिजिक चेक. मतलब मैं कैसा दिखता था मे फर्स्ट को और मे 31st को मैं कैसा दिखने वाला हूँ. सो चेक आउट माय बॉडी कंपोजिशन एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर ब्लॉगिंग. एग्जैक्टली बताऊँगा आपको मैं क्या करने वाला हूँ आज. This is the current physique which I am carrying on और it's on 1st May 2019. तो fats है थोड़ा stomach के area पे. You can see zoom करके निकालो तो fats है. legs का थोड़ा size कम हो गया है. काफ़ी legs वैसे भी मेरा weak है but size था वो भी कम हो गया है. और पीछे भी शायद lower में थोड़ा fats है but बाकी देखा आपने मेरा फिजिक. सो दैट्स माय करंट कंडीशन. तो आज मैं चालू कर रहा हूँ मे 1st से एंड इट वुड बी 31 डेज ऑफ चैलेंज. आप लोग भी कर सकते हैं चैलेंज. मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम में पोस्ट कर चुका हूँ कि आई एम स्टार्टिंग द 31 डेज चैलेंज. इफ यू वांट टू स्टार्ट विद मी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड हैव द इंस्टेंट स्टोरी सो दैट यू वुड गेट एवरी अपडेट. और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो सब आपको पता चलेगा. अभी एको साउंड आएगा क्योंकि दिस इज अ क्लोज प्लेस. सो एको आएगा तो उतना थोड़ा मुझे माफ कर देना. ओके एंड वी वुड बी स्टार्टिंग आवर वर्कआउट फ्रॉम टुडे 31 डेज चैलेंज एंड ऑल्सो 31 डेज ऑफ ब्लॉगिंग चैलेंज. सो स्टार्टिंग विद टुडे. टुडे इज 1st May एंड द 1st day चैलेंज एंड और मैं करने वाला हूँ कार्डियो. कार्डियो आपको लगता रहेगा ट्रेडमिल साइड पे हो? नो. व्हेनेवर आई डू अ कार्डियो आई मेक श्योर आई डू HIIT ट्रेनिंग, दैट इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. तो आज हम करने वाले हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा करते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. इसके बारे में मैंने बात भी किया है तो आपने वीडियो में देखा तो आई बटन में चेक करना. तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग आवर फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज बर्पीज एंड मैं प्लान कर रहा हूँ 30 बर्पीज का. सो इट वुड बी 10 10 10 का 3 सेट. देन आई वुड बी वॉकिंग इधर से उधर तक 1 मिनट तक. सो दैट्स माय हाई इंटेंसिटी फर्स्ट सेट दैट इज बर्पी विद वॉकिंग. ओके सो वी विल स्टार्ट इन 3 2 1 स्टार्ट. स्टार्ट करके इंक्लाइन लेना है. तो इधर मैं इंक्लाइन ले रहा हूँ 15 पे
अभी आप देखेंगे कि ट्रेडमिल उठ रहा है आराम से, और उसके बाद एक नॉर्मल स्पीड में आपको वॉक करना है, जैसे कि मैं चूज करने वाला हूँ 4 स्पीड, और उसके बाद फॉर 2 मिनट्स यू हैव टू वॉक इन 4 के स्पीड में, और उसके बाद द टॉप स्पीड यू हैव टू रन ऑन दैट इंक्लाइन इटसेल्फ फॉर 1 मिनट. दैट्स हाउ यू डू द एचआईटी ट्रेनिंग. सो नाउ इट्स ऑन 4 एंड आई एम वॉकिंग एंड द इंक्लाइन इज ऑन 15, और उसके बाद मैं 1-2 मीटर वॉक करूंगा, उसके बाद टॉप स्पीड में भागूंगा. तो आप वीडियो देखना, फास्ट फॉरवर्ड होगा बट पता चलेगा. More effective than the normal cardio. So start doing HIIT. Number third and the last workout, train हो गया है क्योंकि बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ. And HIIT is a training which needs to be done in 10 to 20 minutes like a session. एकदम hard. क्यों करना चाहिए वो मैं बताऊँगा. So now I'm training my HIIT in my legs and also in on my upper body with push-ups. So legs में squats और lunges mix. और लोअर बॉडी में पुशअप्स देख लो कैसा करते हैं. सो इन 3-2-1 स्टार्ट. सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो. देखा आपने कि कैसा मेरा फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग मैंने HIIT किया. कोई कोई लोग पूछते रहेंगे कि यू आर स्टार्टिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू स्टार्टेड विथ HIIT, वाई? इट्स बिकॉज आई एम ट्रेनिंग सिंस लॉन्ग टाइम. थोड़ा गैप हुआ था इसके लिए रीगेन कर रहा था, तो मुझे मेरे बॉडी को शॉक देना था फर्स्ट डे की, बताने के लिए भाई अगले 30 दिन तेरे पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने वाला है, तो बी रेडी. सो दैट्स वाई आई डिड HIIT, जिससे मेरा हार्ट बीट फास्ट होगा, ब्लड प्रेशर फास्ट, ब्लड के अंदर ब्लड पम्प भी फास्ट, सब फास्ट फास्ट होगा. तो बॉडी को पता चलेगा भाई कुछ तो ये कीड़े चालू करने वाला है जिसने अपना ट्रेनिंग चालू किया है. तो इस हिसाब से अभी मैं ट्रेडमिल में वॉक कर रहा हूँ 3 मिनट्स टू कंट्रोल डाउन माई हार्ट बीट्स एंड रिलैक्स डाउन. सो यही था HIIT ट्रेनिंग. तो आगे हम ये कंप्लीट करते 3 मिनट में, उसके बाद आपको मिलते हैं वापस. तो चलो, सन किस्ड जैसे कि लोग डालते हैं ना इंस्टाग्राम में, सन किस्ड ये वो, मैं भी डालता हूँ. तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो ना, आपको इंस्टेंट स्टोरी देखने को मिलेगा. सो हो गया है ट्रेनिंग. अभी क्या करता हूँ, पहले ट्राइपॉड को उधर स्टैंड में लगा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे. ठीक है, इट फॉर टुडेज वीडियो. तो आपने देखा कि कैसा मैंने HIIT किया, और मैंने चैलेंज चालू किया है 31 डेज का. ये चैलेंज क्यों चालू किया, क्या हो रहा था मुझे 1-2 महीने से रेगुलरिटी नहीं हो रहा था. मैं कभी 6 दिन जिम आने का, कभी 7 दिन जिम आने का, जबकि मैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया था पहले टाइम एट द बिगिनिंग. तो मैं 3-3 साल कंटिन्यूस जिम किया हूँ, 1 भी दिन विदाउट गैप, 3-3 साल कंटिन्यूस जिम. और अभी एक ये फेज ऑफ टाइम है जिधर मैं 7 दिन भी ठीक से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पता क्या हुआ है. तो मैंने सोचा कि एक चैलेंज करते हैं, 31 डेज ऑफ चैलेंज, और ये ब्लॉग में भी डालते हैं. तो ब्लॉग का भी मेरा एक 31 डेज का डेली ब्लॉग का चैलेंज होगा. तो इससे क्या होगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा कि मैं जो कर रहा हूँ सच्चाई से करना है. तो यही मेरा इंटेंशन था, मेन इंटेंशन, कि अगर मुझे कोई ऐसा एक गोल रहेगा तो मैं करूँगा. जैसे कि मैंने अवतार का चैलेंज किया था 21 डेज कंटिन्यूस, उसी तरह मैंने सोचा कि मेरा खुद का एक 31 डेज का चैलेंज, मैं फुल चैलेंज, और उसमें एकदम प्रोग्रेशन के साथ करेगा.
आपको मैं वर्कआउट प्लान के बारे में, वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में सब बताऊंगा ये पूरे 31 डेज व्लॉग में एक ही सर ने एक एक करके। तो वीडियो आप देखते रहो और मुझे पता है आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करो, ऐसे ही वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो, वॉच टाइम बढ़ेगा और मुझे ही फ़ायदा होगा तो आपको भी मज़ा आएगा देखने को। तो पूरा वीडियो देखो, वीडियो को स्किप मत करो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट एच आई टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर फैट लॉस। सो दैट्स वाई आई डिड इट। व्हेनेवर आई डू कार्डियो आई मेक श्योर आई डू HIIT, उसके सिवा कुछ नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा बोल दिया अभी, तो अभी हम बंद करते हैं वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज 31 डेज चैलेंज ऑफ वर्कआउट एंड 31 डेज चैलेंज ऑफ डेली व्लॉग इज कमिंग ऑन माई चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अलॉन्ग विद द बेल आइकन सो यू वुड गेट द नोटिफिकेशन। बींग फिट एंड फाइन, बींग फिट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू आर स्पेशल। टेक केयर एंड बाय बाय।